हेलो फ्रेंड, मैं अनिल गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका एसटीपी क्लासेस में। और आज हम क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ दो तीन बातें करेंगे, उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे कि पिछली क्लास में मतलब पिछली जितनी भी अभी तक हमारी यूट्यूब क्लासेस हुई है उसके अंदर बच्चों ने एक चीज़ बोली थी मुझसे कि भैया समझ में बहुत अच्छा आता है बट पीछे की जो बैकग्राउंड साउंड है वो थोड़ी सी इरिटेट कर रही है। तो उस चीज़ को हमने इम्प्रूव किया है माइक के माध्यम से, देखते हैं कि कितना चेंज आता है। और कोशिश तो यही है कि आप रिलेटेड ना हो बैकग्राउंड साउंड से। तो लेट्स स्टार्ट, आज का टॉपिक जरा स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा था कि पॉलिटिकल का हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, इसका पार्ट थर्ड हमने पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट फोर। तो पार्ट फोर में क्या है देखते हैं। आज हम पढ़ने हैं नियो के बारे में, आज हम पढ़ने वाले हैं नियो के बारे में। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, शॉर्टकट अगर हम देखें तो उसकी NIEO मतलब। तो अब ये है क्या, नियो है क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ। 1972 में व्यापार और विकास से संबंधित एक सम्मेलन हुआ, व्यापार और विकास से संबंधी 1972 में क्या हुआ, एक सम्मेलन हुआ, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसे अनुकार भी बोला जाता है। और नियो का अगर पूछा जाए कि भैया उद्देश्य क्या होगा, तो मैं आपको उद्देश्य के बारे में बता दूं, तो ये धनी देशों द्वारा मतलब जो विकसित देश है अगर हम सिंपल वे में अगर हम बोले जिन देशों को अल्प विकसित मतलब जो जिनका अभी विकास ही नहीं हुआ है, जो अभी हाल ही में उस समय मतलब आज़ाद हुए थे के दौरान जो आज़ाद हुए थे, तो उन देशों को अल्प विकसित देशों को दर्जा मिला हुआ था। और इनको जो है धनी देश हम बोल सकते हैं कि इनके ऊपर दबाव बनाते थे, उनके संसाधनों का दोहन करते थे। तो अब नियो आया था, तो नियो का उद्देश्य क्या था, धनी देशों द्वारा नए स्वतंत्र गरीब देश या फिर अल्प विकसित देशों का शोषण ना हो सके, मतलब अल्प विकसित का जो दर्जा जिन देशों को दिया गया था उन देशों का शोषण ना हो, इसलिए नियो आई, इसलिए नियो व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत जो है अंगटाड के अंदर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उस रिपोर्ट का जो नाम है वो है टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, अभी डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसी जो आई थी, इसने कुछ कहा था, इसने कुछ मुद्दे उजागर किए थे जिससे कि अल्प विकसित देशों का विकास हो सके। अब वो उन्होंने क्या क्या बात बोली थी उसके ऊपर हम बात करते हैं। जैसे कि पहला उन्होंने बोला था कि अल्प विकसित देशों को अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के लिए नियंत्रण होगा, मतलब अल्प विकसित जो देश होंगे और उन देशों के अंदर जितने भी संसाधन होंगे तो उसका अधिकार उनका खुद का होगा, ना कि पश्चिम देश, क्योंकि पहले क्या करते हैं पश्चिम देश उनका दोहन करते थे। बट इसके अनुसार, इस व्यवस्था के अनुसार पश्चिम देश जो है बिल्कुल भी इन संसाधनों का दोहन नहीं कर सकते थे। दूसरा, अल्प विकसित देशों की पहुंच विकसित देशों तक हो व्यापार के लिए, मतलब जो छोटे जो देश थे, अल्प विकसित जो देश थे, वो अपना व्यापार के लिए अपने देशों तक सीमित नहीं रहेंगे, वो विदेशों में भी जाएंगे और विदेशों में जाने पर वो व्यापार को बढ़ाएंगे। अगर वो अपने यहाँ की वस्तुएं कोई अल्प विकसित देश की वस्तु अगर विकसित देश के बाजार में आकर अगर बेची जाती है तो उससे मुनाफा होगा, जिससे कि वो देश अपना विकास कर सके। वहीं पर तीसरा उन्होंने एक और रिपोर्ट के अंदर बात कही थी कि पश्चिम देशों से जितनी भी तकनीक आएगी, जितनी भी मशीनरी आएगी, वो बिल्कुल सस्ते दामों पर या फिर हम कहें लागत उनकी बहुत ज़्यादा कम ली जाएगी, मतलब विकसित देश जो हैं उन्हें बहुत कम पैसों में उनको तकनीक मुहैया कराएगी। ऐसा किस रिपोर्ट में था, टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। वहीं पर जो चौथा पॉइंट ये है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं उनके अंदर अल्प विकसित देशों की भूमिका को बढ़ाया जाएगा। जैसे WTO हो गया, ये भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, WHO हो गया, ये भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। पहले इनके अंदर केवल विकसित देशों की ही बात होती थी, मगर अब इसके अंदर जो है सभी को
मतलब जितने भी विकसित और अल्प विकसित देशों को, मतलब मोस्टली जो फोकस किया गया है अल्प विकसित देशों को, मतलब हम बोल सकते हैं कि उनकी भूमिका को बढ़ाया जाएगा, उनको आगे किया जाएगा। तो ये थी कुछ नियो के बारे में। तो लास्ट में हम यही बोल सकते हैं कि अल्प विकसित देशों के विकास के लिए, अल्प विकसित देशों के विकास के लिए एक व्यवस्था को अपनाया गया था जिसका नाम था नियो, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। देखो महाशक्तियाँ थी बहुत सारी, सब अपना अपना विकास करना चाहते थे। अब विकास तो करना चाहते थे मगर कहीं ना कहीं जो ना युद्ध की स्थिति बनी रहती थी, ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इन युद्धों को रोकने के लिए, इन युद्धों को रोकने के लिए विकसित देशों ने क्या किया, या पूरे विश्व भर के देशों ने क्या निर्णय लिए थे, क्या कदम उठाए थे, तो मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने बहुत सारी जो है अस्त्र नियंत्रण, शस्त्र नियंत्रण संधियों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें से जो आपके चैप्टर के अंदर आ सकती हैं पेपर के अंदर, वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। शस्त्र नियंत्रण संधियाँ LTVT जो कि 5 अगस्त 1963 हुई थी, NPT 1 जुलाई 1968 को, SALT I 26 मई 1972, SALT II 18 जून 1979, START I 31 जुलाई 1991, START II 3 जनवरी 1993। तो ये कुछ ऐसे शस्त्र संधियाँ थी जिनको याद करना जरूरी है, पेपर में एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर वहीं पर हम बात करें, अंत में आपका टॉपिक एक आता है कि भारत और शीत युद्ध, भारत और शीत युद्ध। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है कि भारत और, मतलब भारत की जो नीति थी, क्या नीति थी, गुट निरपेक्षता की नीति, सिद्धांत विहीन बोला गया भारत की, क्या गुट निरपेक्षता की नीति सिद्धांत विहीन बोला गया, क्यों? तो हम बोल सकते हैं कि कुछ आलोचकों का कहना है कि भारत की नीति सिद्धांत विहीन है, क्योंकि भारत ने 1971 में सोवियत संघ के साथ में रिश्ता जोड़ लिया था, ऐसा कुछ आलोचकों का कहना है। और क्योंकि 71 का युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में बांग्लादेश को लेकर, जिसमें पाकिस्तान को जो सपोर्ट किया था वो अमेरिका ने किया था, भारत ने जो है सोवियत संघ से दोस्ती करी, ऐसा आलोचकों का कहना है। और जबकि भारत ने खुद ने नीति बनाई थी और जिसमें कहा गया था कि वो किसी भी गुट में शामिल ना हो, तो इसलिए वो आलोचक कहते हैं कि भारत की जो विदेश नीति है वो क्या है, सिद्धांत विहीन है। तो अंत में इस चैप्टर को यहीं पर खत्म करते हैं, और अगर आपको हमारा ये पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आया हो, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।